मैं तवज्जो ये दिलाना चाहता हूँ, तुम रोज अपने घर से निकलते हो, जब तुम निकलते हो तो तुम असलम होते हो, तुम अकरम होते हो, तुम जावेद होते हो, तुम अब्दुल शकूर होते हो, तुम अब्दुल्ला होते हो, अब्दुल मजीद होते हो। तुम रोज जब निकलते हो अपने घरों से तो तुम अपने नाम से पहचाने और देखे और जाने जाते हो। लेकिन मेरे प्यारे, जब जश्न विलादत तुम मनाने के लिए नबी का जुलूस लेकर निकलते हो, आमद का इस्तकबाल करने के लिए निकलते हो, तो तुम सिर्फ असलम की हैसियत से नहीं देखे जाते, अब्दुल मजीद की हैसियत से नहीं देखे जाते, जावेद की हैसियत से नहीं देखे जाते, तुम नबी से प्यार करने वाले नबी के गुलाम की हैसियत से देखे जाते, गुलाम की हैसियत से देखे जाते हो। तुम्हारा चलना, तुम्हारा आगे बढ़ना, तुम्हारा जुलूस में अमल करना, लोग तुमको नहीं देखते, इस्लाम को देखते हैं। पैगंबर इस्लाम के मानने वाले मुसलमान, अब फिर तुम्हारा अमल क्या होता है? आप डीजे बजाते हो, रक्स करते हो। भाई रक्स तो करना, ये तो शैतानी शियार है। मोमिन के तो दिल लक्ष्य करते हैं, जिस्म नहीं। शैतान रक्स करता है और मोहब्बत में मोमिन के दिल लक्स करते हैं, और जब दिल लक्स करता है तो निगरें ऊपर नहीं होती, नजरें झुक जाती हैं, दिलों की तरफ हो जाती है। ये मोमिनों का कल्चर है। मेरे प्यारे, तुम नबी का जुलूस निकलने तो तुम्हारा अंदाज ये होना चाहिए उस दिन, अंदाज चूंकि नबी उस दिन तुम्हें नबी का गुलाम समझ कर लोग देख रहे हैं, जावेद की हैसियत से नहीं देख रहे हैं। एक मुसलमान है, नबी का गुलाम है, नबी का जश्न मनाने निकला है, तो म्यारे प्यारे फिर तुम्हारे भी चलने का अंदाज कैसा होना चाहिए? तुम्हारे चलने में एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, एहतराम होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। तुम्हारे चलने से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा उस दिन किरदार, तुम्हारा उस दिन अखलाक, तुम्हारी उस दिन मोहब्बतें, अजमतें, ये सब उरूज पर होनी चाहिए, ताकि तुम्हारे चलने के अंदाज को देख कर एक गैर भी बोल उठे कि इस अंदाज पर चलने वाला दुनिया में कोई दूसरा इंसान हो ही नहीं सकता, अगर हो सकता है तो सिर्फ मुस्तफा का गुलाम हो सकता है।